ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 18 मार्च 2023 के मुरली बाप दादा का मधुर महावाक्य है। आज बाप दादा के मधुर महावाक्य में मुख्य पांच बातें याद रखेंगे। पहला है, मोस्ट बिलेवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। दूसरा, भिन्न भिन्न युक्ति से सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। तीसरा है, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ाते रहेगा। चौथी बात है, बिंद रूप में स्थित रहकर सर्व कर्म इंद्रियों को आर्द्र प्रमाण चलाओ। पांचवा, बाबा शब्द की डायमंड चाबी सदा साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। मोस्ट बिलीव्ड बाप, भिन्न भिन्न युक्ति, अमृत वेले, बिंदु स्थिति, बाबा शब्द। मैं आत्मा अति प्रिया प्यारे शिव बाबा का प्रिय संतान हूँ। मेरा अति प्रिया बाबा, मोस्ट बिलीव्ड बाप, बाबा का यथार्थ परिचय सबको देंगे। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में भिन्न भिन्न युक्ति से सेवा करने में मैं आत्मा बहुत बिजी रहेंगे, अपार खुशी का अनुभव करते रहेंगे। मैं आत्मा अमृत वेले का शुभ मुहूर्त में अति मीठे प्यारे बाबा को याद कर अपार खुशी में रहेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर सभी कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले कर्मेंद्रियों का मालिक आत्मा हूं। मैं आत्मा सदा बाबा बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रखेंगे, सर्व खजानों की अनुभूति करते रहेंगे। मैं आत्मा मोस्ट बिलेवेड बाप का अति प्रिय संतान, भिन्न भिन्न युक्ति से सेवा करने वाले अमृत वेले सदा प्यार से बाप को याद कर खुशी में रहने वाले बिंदु स्थिति का अनुभव कर कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने वाले आर्डर प्रमाण चलाने वाले बाबा शब्द की चावी सदा साथ रखने वाले मैं आत्म ज्योति हूँ, अति प्यारा शिव पिता का संतान हूँ। ओम शांति। अरमान है, एक ही अरमान है,
इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। खुशियों